नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद पूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं बुध के विषय में चर्चा करूंगा कि 12 भाव में किसी ग्रह के साथ कंजक्शन बुध का हो जाए तो क्या प्रभाव होगा, अकेले बुध का क्या प्रभाव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बुध के बारे में जानकारी प्रथम भाव से। दोस्तों, जो प्रथम भाव होता है जन्म कुंडली का, यह सूर्य का भाव इसको कहा जाता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार पहला भाव सूर्य का माना गया है। और सूर्य यानी पहले भाव में यदि बुध बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, बुद्धि से काम लेने वाला होता है, अच्छा व्यापारी या अच्छी नौकरी सर्विस अच्छी पोस्ट में वह नियुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मधुर वाणी बोलने वाले, मीठा वचन बोलने वाले, मीठी बातें करने वाले होते हैं, जिससे हर कोई इनकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है। पहले भाव में बुध के साथ सूर्य हो तो और भी व्यक्ति के अंदर क्वालिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यह सूर्य का भाव है। सूर्य बुध दोनों मित्र माने जाते हैं, बुध आदित्य योग बन जाता है। अब पहले भाव में ही बुध के साथ केतु हो तो यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव फल मिलता है, यानी व्यक्ति कई बार कोई ऐसी बातें बोल जाता है जो सामने वाले को परेशान कर देती हैं या दुखी कर देती हैं। बुध के साथ चंद्रमा हो तो व्यक्ति मन से बहुत कमजोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि चंद्र और बुध की आपस में मित्रता नहीं होती। इसलिए यहाँ पर जिस व्यक्ति कुंडली में बुध चंद्रमा के साथ पहले भाव में होगा तो वहां पर थोड़ी समस्या जरूर आएगी, मेंटली प्रॉब्लम भी हो सकती है, व्यक्ति थोड़ी छोटी बातों से अपसेट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बुध के साथ सूर्य हो, शनि हो तो बहुत अच्छा फल व्यक्ति को मिलता है, लेकिन बुध के साथ यदि राहु हो तो भी काफी हद तक ठीक रहता है। लेकिन केतु और चंद्रमा का बुध के साथ बैठना या बृहस्पति देवता का बुध के साथ बैठना अच्छा फल, या फिर यूं कह सकते हैं कि बुध के फलों में कमी ला सकता है। अब मैं बात करूंगा दूसरे भाव की। दूसरा भाव काल पुरुष कुंडली के अनुसार यह शुक्र का भाव होता है, और शुक्र के भाव में, शुक्र आप जानते हैं कि शुक्र होते हैं लग्जरी के कारक, और लग्जरी सुख सुविधा को कहते हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा। यहाँ पर यदि बुध दूसरे भाव में बैठ जाते हैं, अकेले बुध, तो व्यक्ति को माला माल कर देते हैं। यूं कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी जुबान का बहुत मीठा होता है और अपना कार्य किसी प्रकार से भी निकाल लेता है। जिनका बुध दूसरे भाव में होते हैं अकेले या सूर्य के साथ, ऐसे लोग अधिकतर बैंकों में देखेंगे या सीए की लाइन में देखेंगे, अकाउंट की लाइन में देखेंगे, पोस्ट ऑफिस में अच्छी पोस्ट में देखेंगे, यानी उनके पास इनकम के स्रोत जो है बुध, यहाँ पर प्राइवेट जॉब भी हो सकती है और गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ सूर्य के साथ अच्छा फल प्रदान करेंगे, शनि के साथ अच्छा फल प्रदान करेंगे, लेकिन यदि चंद्रमा या गुरु या केतु हो तो यहाँ पर अपने जिस स्थान में व्यक्ति नौकरी करता है, सर्विस करता है, व्यापार करता है, तो वहां पर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर वाणी को खराब कर देता है बुध जब चंद्रमा के साथ, गुरु के साथ या केतु के साथ हो। और आप जानते हैं जब वाणी खराब होती है तो व्यक्ति के अच्छे भले काम बनते बनते भी बिगड़ जाते हैं। तो बात करेंगे तीसरे भाव की। तीसरा भाव यानी स्वयं बुध का भाव, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से तीसरा भाव बुध को मिला हुआ है। और यहाँ पर जब बुध होते हैं तो व्यक्ति को छोटी मोटी यात्राओं से बहुत लाभ होता है। जब व्यक्ति यात्रा करता है तो उसको लाभ अवश्य होता है। ऐसे लोग अधिकतर यदि देखा जाए तो बुध हरियाली के कारक हैं, उनकी खेती बाड़ी का काम भी होता है, किसान भी बुध इसमें आ जाते हैं तीसरे भाव में बुध में। या जहाँ से हमें अनाज मिलता है वह, जैसे कहते हैं FCI, उस जॉब में भी हो सकते हैं, क्योंकि बुध के काम से ही यहाँ पर व्यक्ति को फायदा होता है। यहाँ पर बुध हो तो चलते फिरते काम से व्यक्ति को ज्यादा फायदा होता है। अब यदि यहाँ पर सूर्य के साथ बुध हो तो और अच्छा रिजल्ट मिलता है, व्यक्ति किसी अच्छी पोस्ट में होता है, अच्छी नौकरी में, अच्छी सर्विस में। इसके अलावा शनि हो तो व्यक्ति कर्म करता हुआ अपने अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है। वहीं पर चंद्रमा हो, केतु के साथ, या केतु के साथ बुध हो या चंद्रमा के साथ हो, तो छोटे भाई बहनों के साथ यह समस्या पैदा कर देता है। बुध तीसरे भाव में सूर्य या शनि के साथ हो तो छोटे भाई बहनों को भी ऐसे व्यक्तियों से बहुत सहयोग की प्राप्ति होती है, और वह इनके कारण ही आगे बढ़ते हैं।
अब बात करूंगा चौथे भाव की। चौथा भाव जन्म कुंडली का ये होता है भूमि भवन वाहन का और माता के सुख का, यानी कुल मिलाकर के ये सुख का भाव होता है। और जिसकी कुंडली में बुध चौथे भाव में हो, ऐसे व्यक्तियों को मैं ये कहूंगा कि वह अपने जन्म जहाँ पर जन्म हुआ है उस क्षेत्र को छोड़कर के यदि व्यक्ति बाहर काम करता है तो उसको ज्यादा फायदा होता है। ऐसे व्यक्तियों के योग बहुत जल्दी बन जाते हैं यदि वह अबरोड के लिए ट्राई करते हैं, बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं या बाहर अपना जाकर के कोई बिजनेस करना चाहते हैं। घर से दूरी बना करके कहीं और व्यापार करना, कहीं और सर्विस करना, ऐसे व्यक्ति फिर अपने जीवन में बहुत तरक्की कर देते हैं। उस तरक्की व्यक्ति की तरक्की तभी होती है जब अपने घर से दूर होकर जाकर के वह सब कुछ बना लेता है, प्रॉपर्टी बना लेता है, सुख की सुविधाओं को जोड़ लेता है, मोटर गाड़ी या मकान, हर प्रकार की सुविधाओं से वह जुड़ जाता है, उसे हर सुख सुविधा प्राप्त हो जाती है यदि बुध के हिसाब से व्यक्ति चलता है। अब बात करेंगे यहाँ पर पंचम भाव की। पंचम भाव काल पुरुष कुंडली के हिसाब से सूर्य देव का भाव माना जाता है, और सूर्य के भाव में अकेले बुध हो या सूर्य के साथ ही बैठे हो और या फिर शनि के साथ बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी एजुकेशन के बल पर, अपनी विद्या के बल पर खूब नाम शोहरत कमाते हैं और खूब धन कमाते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। मोस्टली ये देखा गया है कि जिनका बुध सूर्य के साथ यहाँ पे हो या शनि के साथ यहाँ पे हो, या तो इंजीनियरिंग लाइन में होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि डॉक्टर इत्यादि, जो डॉक्टरी काम होता है, साइंस का काम होता है, तो ऐसे कार्य में वह व्यक्ति होते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में भी देखे जा सकते हैं जिनके पंचम सूर्य बुध हो, या फिर सीए की लाइन ऐसे व्यक्तियों की हो सकती है। कोई किताबों का बड़ा शोरूम हो सकता है, शॉप हो सकती है, पोस्ट ऑफिस में किसी अच्छी पोस्ट में हो सकते हैं, तो ये बुध के काम में ही व्यक्ति अपनी एजुकेशन करता है और आगे बढ़ता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बुध और सूर्य के कारण, पंचम भाव के कारण व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। कई लोग होते हैं इनकम टैक्स में, उनका जब आप देखेंगे तो पंचम भाव में या तो सूर्य होंगे या बुध होंगे, या अकेले बुध होंगे या शनि के साथ होंगे। शनि के साथ मोस्टली इंजीनियरिंग लाइन होती है। अब इसके बाद यदि यहाँ पर केतु हो, चंद्रमा हो या गुरु हो, तो व्यक्ति की एजुकेशन में दिक्कतें आती हैं या व्यक्ति खूब अच्छी स्टडी करने के बाद भी अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाता, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि जब बुध के साथ उसके शत्रु होते हैं तो वहां बुध कमजोर पड़ जाता है। बुध का कमजोर होना यानी बुद्धि का कमजोर हो जाना, ज्ञान में कमजोरी आ जाना, या बुध से मिलने वाले रिजल्ट ना मिल पाने, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। छठे भाव की बात करूंगा। जिस प्रकार तीसरा भाव बुध का होता है तो छठा भाव भी बुध का होता है, और छठे भाव में यदि स्वयं अकेले बुध हो तो व्यक्ति विदेश यात्रा भी करता है, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करता है अपने जीवन में, अच्छी नौकरी सर्विस में होता है। यहाँ पर जो व्यक्ति जिनके अष्टम छठे बुध हो, तो ये मान के चले यूपीएससी की तैयारी के लिए, प्रेपरेशन के लिए आगे बढ़ सकता है और उसमें बहुत आगे जा सकता है। इसके अलावा नीट की तैयारी के लिए आगे जा सकता है, यानी जो जीवन में टफ एग्जाम होते हैं, हायर एग्जाम होते हैं, ऐसे एग्जाम में व्यक्ति बहुत आसानी से निकल जाता है जिनका बुध या बुध के साथ सूर्य या बुध के साथ शनि हो। अब यहाँ पर इसको रोग, ऋण और शत्रु का घर भी कहा जाता है छठे भाव को, और हायर एग्जाम का घर भी कहा जाता है। एग्जाम में तो क्लियर व्यक्ति तभी करता है जब यहाँ पर बुध स्ट्रांग हो या सूर्य के साथ हो या शनि के साथ हो। और कई आपने देखा होगा लोग कई प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते, उसका कारण यही है कि छठे भाव में बुध के साथ चंद्रमा हो, केतु हो, देवगुरु बृहस्पति हो, तो यहाँ पर व्यक्ति बार बार एग्जाम देता है लेकिन बार बार विफल हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को जिनका बुध गुरु के साथ हो, उनको मोस्टली ट्राई करना चाहिए कि घर से दूर जा करके या विदेश यात्रा, विदेश में जाकर के अपना कोई काम करे, वहां पर स्टडी करे, तो उनको ज्यादा फायदा होता है। यदि बुध के साथ सूर्य शनि हो तो यहीं पर अपने जन्म स्थान में रह करके कोई भी टफ एग्जाम दें उसमें निकल सकते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर बुध का स्थान है, यहाँ पर बुध अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं, लेकिन जब खराब हो तो रोग, ऋण, शत्रु इनको घेर लेते हैं। सातवां भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, और सातवां भाव शुक्र का होता है। शुक्र के भाव में, सप्तम भाव में यदि बुध अकेले बैठे हों तो अच्छा फल देंगे, शुक्र के साथ बैठे हों तो अच्छा फल देंगे, यानी ऐसे व्यक्तियों की जो धर्म पत्नी है उनके कारण ही व्यक्ति का जीवन आगे खूब निखर जाता है। जिनका बुध या बुध शुक्र आपस में बैठे हों या बुध के साथ शनि हो,
या सूर्य हो। शनि सूर्य होने से दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कठिनाई जरूर आती है, कष्ट आते हैं, लेकिन बुध यदि शुक्र के साथ हो या स्वयं अकेले बुध हो तो यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। व्यक्ति का अपने पति या अपनी पत्नी के कारण ही उसका भाग्योदय होता है, अपने जीवन में तरक्की करता है। व्यक्ति जिस व्यापार में होता है उस व्यापार में चार चांद लग जाते हैं। यदि यहाँ पर व्यक्ति व्यापारी होता था तो बहुत आगे के लेवल में, बहुत ऊंचाइयों में व्यक्ति पहुंचता है, एक छोटे काम से बहुत हायर लेवल तक जो व्यक्ति पहुंच जाता है। अब यहाँ पर चंद्रमा हो, व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन नष्ट होना शुरू हो जाता है, आपस में ही डाउट की कंडीशन बन जाती है, जिससे परिवार में विवाद हो जाता है, पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, वाद विवाद होने शुरू हो जाते हैं। केतु हो तो यहाँ पर व्यक्ति की दूरी बन जाती है अपने पार्टनर से, और यहाँ देव गुरु बृहस्पति हो तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बुध और बृहस्पति एक साथ कहीं भी किसी भाव में बैठ जाएं तो उस भाव के फल को लगभग खत्म कर देते हैं। कुछ समय का व्यक्ति उस स्थान का भोग भोगता है, लेकिन बाद में उसको तकलीफ आती है जब गुरु या बुध की महादशांत दशा आए, केतु की महादशांत दशा आए। इस प्रकार से रिजल्ट जानना चाहिए। अष्टम भाव में बुध अकेले हो या फिर केतु चंद्रमा के साथ हो, बुध अकेले तो यहाँ पर काफी हद तक फिर भी ठीक होते हैं, लेकिन यहाँ बुध के साथ मंगल हो जाए तो व्यक्ति का जीवन अधिकतर ये मान के चले खराब होना शुरू हो जाता है। उसको जन्म से ही रोग लगने शुरू हो जाते हैं, एक रोग खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ मंगल बद योग बन जाता है जब मंगल के साथ बुध हो। अब बुध के साथ यहाँ पर शनि हो तो फिर भी व्यक्ति का बचाव हो जाता है। अकेले बुध थोड़ा सा काम खराब यहाँ पे करते हैं, या मंगल के साथ, या केतु के साथ, या चंद्रमा के साथ, यहाँ बुध बहुत व्यक्ति को कष्ट प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मोस्टली बोलने में समस्या आती है, बोलने में हकलाते हैं, डरते हैं, या उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बुध जुबान का कारक है, वाणी का कारक है। जब मंगल, केतु, चंद्रमा, बृहस्पति इनके साथ बैठे हो अष्टम भाव में, तो यह मान के चले कि व्यक्ति को अपने ससुराल पक्ष से भी संतुष्टि नहीं होती, वहां भी कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा चलता है, और आगे जाके उसको शरीर कष्ट भी बहुत ज्यादा आते हैं। खासकर ऐसा तब होता है जब बुध की महादशा अंतदशा, या गुरु की महादशा अंतदशा, चंद्र की महादशा अंतदशा आए, या गोचर वश बुध या गुरु, बुध गुरु का मेल हो जाए इस भाव में, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत संकट आते हैं। तो यह कुंडली देख करके पता चलता है कि कंडीशन क्या है। लेकिन कुल मिलाकर के यदि देखा जाए यहाँ पर बुध का बैठना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह काल पुरुष कुंडली के हिसाब से मंगल का घर माना जाता है, और मंगल का बुध बैरी होता है। बात करूंगा नवम भाव की। नवम भाव में भी बुध कुछ ज्यादा अच्छे फल नहीं प्रदान करते, क्योंकि ये देव गुरु बृहस्पति का भाव होता है। ये जो मैं भाव कह रहा हूँ देव गुरु बृहस्पति का, ये काल पुरुष कुंडली जो एक्चुअल में कुंडली होती है, काल पुरुष कुंडली जो सबके लिए मानी जाती है, उसके हिसाब से बताया जा रहा है, जो आपको परिणाम बता रहा हूँ मैं। तो गुरु के भाव में, नवम भाव में जब बुध पहुंच जाते हैं जन्म कुंडली में, तो ऐसे में व्यक्ति तब धर्म से हीन होना शुरू हो जाता है, धर्म से अलग हो जाता है। जब बुध के साथ चंद्रमा हो, बृहस्पति हो या फिर मंगल हो, तो ऐसे व्यक्ति यदि कहीं मंदिर जाते हैं, धार्मिक स्थान जाते हैं, तो अपने मन को मार के जाते हैं, कभी श्रद्धा से नहीं जा पाते। अकेले बुध हो तो कुछ ना कुछ रिजल्ट का फर्क पड़ता है, सूर्य के साथ बुध हो तो व्यक्ति का जीवन चमक जाता है। यहाँ पर ये चीज बता रहा हूँ आपको मैं, जब बुध के साथ सूर्य होते हैं नवम भाव में, तो व्यक्ति के भाग्य को चमका देते हैं, और व्यक्ति का भाग्य अपने पिता के आशीर्वाद से ही चमकता है, और पिता के आशीर्वाद से व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है और अपने जीवन में कामयाब होता, तरक्की करता है, लीडरशिप होती है, लीडरशिप की तरह जीवन के अपने जीता है। शनि हो तो भी अच्छा फल यहाँ पे मिलता है, बुध के साथ शनि, यानी बुध को सपोर्ट मिल जाए शनि या सूर्य की, तो यहाँ पर बहुत आगे व्यक्ति बढ़ता है। शुक्र भी बैठ जाए यहाँ पर बुध के साथ तो बहुत अच्छा अपने जीवन में तरक्की करता है व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है, पिता का स्थान है। यदि यहाँ पर कोई नेगेटिव ग्रह बुध के साथ बैठे हो तो पिता के साथ नहीं बन पाती, धर्म से व्यक्ति हीन हो जाता है, और भाग्य में बनने में उसके रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। बात करूंगा दशम भाव की। दशम भाव शनि का होता है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से। अब यहाँ पर बुध बैठे हो तो यदि व्यापारी है तो व्यापार भी छोटा मोटा नहीं होगा व्यक्ति का, बहुत बड़े लेवल पे होगा, क्योंकि चाहे कोई व्यक्ति छोटे लेवल से शुरू करे, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि व्यक्ति आसमान को छूता है अपने व्यापार में, क्योंकि शनि के भाव में बुध का बैठना बहुत ही अच्छा माना जाता है।
काल पुरुष कुंडली एक सबसे बड़ा मैटर होता है हमारे ज्योतिष के अंदर। तो यहाँ पर हर भाव को एक ग्रह उसका हिस्सा होता है। जैसे ये दसवां भाव होता है शनि का हिस्सा है, तो शनि के भाव में जब बुध बैठेंगे तो रिजल्ट देंगे ही देंगे। यहाँ पर सूर्य बुध बुध आदित्य योग बन जाए तो व्यक्ति बहुत कामयाब होता है अपने कार्य क्षेत्र में और खूब नाम शोहरत कमाता है, प्रॉपर्टी का मालिक होता है, गाड़ियों का मालिक होता है। और महादशा बुध की आने पर, सूर्य की महादशा आने पर, शनि की महादशा आने पर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे ऊंचाइयों को छू लेते हैं। बात करूंगा 11वें भाव की। 11वां भाव ये भी शनि का होता है, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, लाल किताब के हिसाब से गुरु का भाव, और काल पुरुष हमारी हिंदू धर्म में जो काल पुरुष कुंडली कहा जाता है उसके हिसाब से शनि का भाव होता है। और शनि के भाव में बुध हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति के पास इनकम ना आए, पैसा ना आए, शोहरत ना मिले उसको, सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर सूर्य की मेल हो जाए, उन कंजक्शन हो जाए बुध के साथ सूर्य का, तो कहीं से भी आएगा व्यक्ति के पास पैसा जरूर आएगा, आए इनकम किस तो स्रोत में बढ़ापा ही होगा, कभी भी नीचे नहीं जाएगा व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा हो बुध के साथ तो व्यक्ति का पैसा आएगा तो सही, किसी न किसी तरीके से निकल भी जाएगा। केतु होंगे तो पैसा आएगा तो निकल जाएगा, सेविंग नहीं कर पाएगा व्यक्ति। अब यहाँ पर गुरु हो तो भी समस्या है, यहाँ पर मंगल हो बुध के साथ तो भी समस्या है। यानी कुल मिलाकर के यदि शत्रु ग्रह बुध के साथ बैठ जाते हैं तो वह उसके फल को डाउन कर देते हैं। यदि उसके मित्र ग्रह जो उसको पावर देते हैं वह बैठ जाए तो उस भाव के फल को 100 गुना बढ़ा देते हैं। अंतिम बात करूंगा 12वें भाव की। 12वें भाव में यदि बुध हो तो ऐसे व्यक्ति यदि घर से बाहर दूर निकल करके, या ये कह सकते हैं विदेश में जाकर के कोई काम करते हैं, एजुकेशन स्टडी करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन सुधर जाता है। यदि बुध 12वें भाव में हो और व्यक्ति यहाँ पर अपने जन्म स्थान में ही कोई काम कर रहा है तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन यदि यहाँ पर भी काम कर रहा है उसके लिंक बाहर से हैं, आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ सिटी उसके लिंक हैं, तो भी वह कामयाब हो जाता है 12वें भाव का बुध। लेकिन आगे जाके थोड़ी बीमारियों की प्रॉब्लम जरूर करता है, खर्चे जरूर बढ़ाता है, हॉस्पिटल के चक्कर जरूर करवाता है। यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास जो पैसा आता है खर्च भी होता रहता है लेकिन आता भी रहता है। बुध को यहाँ पर सपोर्ट मिल जाए शनि की, सूर्य की, शुक्र की, सबसे ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट जो मिलती है शुक्र की, यदि सपोर्ट मिल जाए या कंजक्शन हो जाए बुध और शुक्र का तो 12वें भाव में व्यक्ति मालो माल होता है, करोड़ोंपति होता है। क्योंकि शुक्र लग्जरी का कारक है, 12वां भाव घर से दूरी का होता है, बाहर का होता है और रात की नींद का भी होता है। अब यहाँ पर चंद्रमा हो जाए व्यक्ति की रातों की नींद उड़ जाती है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है यदि बुध के साथ चंद्रमा हो। ऐसे में व्यक्ति को दूध नहीं पीना चाहिए कभी भी रात में, और दूध का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों जो आज मैंने 12 भावों की बात की है, प्रत्येक भाव में बुध का फल बताया है, कंजक्शन का फल बताया है और उनकी युति का फल बताया है। किस प्रकार की आपको यह वीडियो लगी लाइक जरूर करें, यदि आपको पसंद आई हो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और जितने भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में आ रहे हैं तो उनसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने मुझसे कुंडली विश्लेषण करवानी है तो स्क्रीन में आपको पूरी जो है जानकारी दे दी गई है, उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि जो भी मेरे चार्जेस होंगे उस हिसाब से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जो है अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं, बुक करा सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं यहीं विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।